हाँ तो भाई सुनो, अब तक का खेल देखकर टीम में चुने गए हैं राजू, जग्गू, चुटकी, मैं, कालिया, ढोलू और भोलू। अरे यार, मगर अपना कैप्टन कौन बनेगा हाँ? हमारा कैप्टन होगा भीम और वाइस कैप्टन राजू। ये है ढोलकपुर के मान सम्मान का सवाल, हमें जीतना ही होगा और उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। सभी खिलाड़ियों को रोज सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक प्रैक्टिस के लिए आना होगा। ओके ओके। हम सब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंच गए भीम। हम ये कप जीत कर ही वापस जाएंगे। हाँ, अब मैदान में उछल रहे हैं इस टूर्नामेंट का सरप्राइज टीम, ढोलकपुर टीम। और पहली बॉल में सिक्सर। अनबिलीवेबल। वाकई ढोलकपुर की ये सरप्राइज टीम ने यहाँ की सब दर्शकों को ताजुब कर दिया है। बढ़िया फील्डिंग। ढोलकपुर, ढोलकपुर। और पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। खासकर भीम का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है और वो सबका फेवरेट बन गया है। अनबिलीवेबल। इस टूर्नामेंट में सबसे नीचे शुरू करके ढोलकपुर टीम फाइनल्स तक पहुंच गई है। और उनका मुकाबला होने वाला है सबसे खतरनाक टीम इंडी टीम से। क्या ढोलकपुर उनका सामना कर पाएगा? आज इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का फाइनल मैच है ढोलकपुर और इंडी डीप के बीच में। और पहले बैटिंग इंडी डीप करने वाले हैं। थोड़ा पीछे, तुम ठीक हो चुकी? हाँ, बस वही रहो। की बॉलिंग जितनी अच्छी है, फील्डिंग उतनी खराब है। उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं इंडी डीप के बैट्समैन। और इस बॉल के साथ पहला इनिंग समाप्त होता है। ढोलकपुर के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है इंडी डीप वालों ने। दोस्तों डरो मत, बॉल पर ध्यान दो ना कि बॉलर पर। फिर मार्शल हो या कोई और, डर पैदा नहीं कर सकता। हमारा एक बैट्समैन उनकी पूरी टीम को चकनाचूर कर सकता है। हम एक एक खिलाड़ी 10 लोगों के बराबर होकर खेलेंगे और ये स्कोर जरूर बनाएंगे। चलो दोस्तों, कीचक इस बार मेरे साथ कालिया शुरुआत करेगा। ढोलकपुर की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं भीम और कालिया। सामना करेंगे मार्शल की तूफान पारी का। मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के अटैक कर रहा है और एक खतरनाक बाउंसर। भीम ने समझदारी से डक किया। इस बार ये नहीं बचेगा, ये आउट होकर बाहर जाएगा या मार खाकर। भीम और मार्शल के बीच इस प्रतियोगिता में मार्शल जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसको बैटिंग नहीं धुलाई कहनी चाहिए। ढोलकपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट बॉल जल्दी गिर रहे हैं। मार्शल ने ढोलकपुर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब ये स्कोर बनाना मुश्किल लग रहा है। Oh!
अब नए बैट्समैन है मनु। मनु संभालो अपने आप को। बॉल जोर से लगी भीम। हार मानकर वापस मत जाना मनु, खेलो। मैं दौड़ नहीं पाऊंगा भीम। हम सब एक टीम है मनु, कोई खिलाड़ी अकेला नहीं है यहाँ पर। अगर तुम जी भर कर खेलना चाहते हो और इनको जीत कर दिखाना चाहते हो तो जग्गू तुम्हारे लिए दौड़ेगा। भीम, कीचक की बातों में आकर मैंने ठीक से नहीं खेला, लेकिन अब खेलूंगा और इन इंडियन जीप वालों को हरा कर घर भेज दूंगा। ये हुई ना बात। दोनों ही बैट्समैन बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। भाग जग्गू। अब दो बॉल्स में 7 रन्स चाहिए जीतने के लिए। अब ये आखिरी बॉल है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। क्या भीम ये कर पाएगा? बहुत बढ़िया भीम, बहुत ही बढ़िया। ये जगह बढ़िया है, गांव के लोग नहीं, बच्चों का शोर नहीं, कैंपिंग का मजा आएगा। इस मैदान में साइकिल चलाना, पोस्टर चिपकाना और टेंट लगाना मना है। अच्छा, लो अब तो टेंट लगाना मना नहीं है। डाउन, नीचे बैठो, आज हम यही कैंप करेंगे। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है, ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है, चौके छक्के लग रहे हैं, और अब बॉल फेंक रहा है कालिया, बैटिंग कर रहा है भीम। आज का गेम मैं ही जीतूंगा, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये राजू की पहली बार। मेरे घर की खिड़कियाँ तो तोड़ ही दी है और अब मेरे दांत तोड़ने पर तुले हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत हो, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। आउट! अब मेरी बारी। मैं आउट नहीं हूँ। भीम ने लाइन के आगे से बॉल डाली है। राजू, तेरी बारी फिर से आ जाएगी, अब जग्गू को खेलने दे। ठीक है ठीक है, पर अब गेंदबाजी मैं करूंगा। ठीक है,